आजकल कराची में, पाकिस्तान में जगह जगह आपको मेक्सिकन फूड के शताई मिलेंगे। और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसे ही फूड एंटरप्रेन्योर ने जिसने इस मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। उनकी रेसिपीज़ क्यों यूनिक हैं, क्या ये ऑथेंटिक मेक्सिकन हैं या फिर हमारे टेस्ट बड्स के हवाले से उसमें थोड़ी सी ट्वीकिंग हुई है। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं फैज़ान सिद्दीकी से। इनका जो इनिशिएटिव है, इनका जो रेस्टोरेंट है, वो कहलाता है टाको बे। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान, क्या हाल चाल है? आज सुबह सुबह मैंने कहा ना, ये हफ्ता और ये वाला जो हमारा सेगमेंट है ना, ये आप सबकी डाइटिंग को तबाह कर देगा, क्योंकि सर्दियों में खाने का मजा है। तो फैज़ान कांग्रेचुलेशंस, टाको बे को शुरू हुए हुए कितना अरसा हो चुका है? ये तकरीबन हमने 6 मंथ इसको स्टार्ट हुए हैं। ओके जी, और 6 महीने में क्या रिस्पांस है? सबसे ज्यादा फेवरेट चीज है लोगों की? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और दूसरा, आपको पता है टैकोस जो है हमारे, वो सबसे ज्यादा लोग फेवरेट, बच्चों को पसंद भी है, बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। हाँ। तो इस पे हमारा ज्यादा अच्छा। एक अच्छी चीज जो मेक्सिकन फूड की है कि ये ऑलरेडी बड़ा स्पाइसी होता है, तो हमारे टेस्ट बड्स के हिसाब से होता है, लोग उस पे चीज और मेयोस और साल्सा जो उसका है वो बड़ा पसंद करते हैं। ये आप देख सकते हैं, आज हमने यहाँ पे टाकोस रखे हुए हैं। इसके अलावा टाको बे पे आपको बरीटोज मिल जाएंगे जो दो अलग अलग तरह के, दिस इज द क्रिस्पी चिकन वन, यहाँ पे मुझे सॉसेजेस वाला बरीटो नजर आ रहा है, इसके अलावा कैसेडियाज मौजूद हैं। तो यानी ये कंप्लीट मील है एंड दैट कुड रियली be very very fulfilling for the family. बच्चों को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? बच्चों ये जो है टैकोस भी हमारे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और मतलब इसमें हमने कुछ ऐसा भी किया हुआ है, इसको थोड़ा सा, इसको हमने जिद्दत दी है, इसमें हमने इसको थोड़ा सा कम स्पाइसी भी रखा हुआ है। मतलब जिस तरह का फ्लेवर लोग खाना चाहते हैं, स्पाइसी खाना है, कम खाना है, तो दोनों मैनेज किया, दोनों मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये देख रही थी टाकोस, अगर आप इसकी शेल्स को देखें तो ये मेज से बनी होती है, यानी मकई के दाने से होती है। तो कई लोग जो ग्लूटेन फ्री खाना चाहते हैं उनके लिए ये बेहतरीन है। इसमें सॉफ्ट शेल्स भी है, हार्ड शेल्स भी, आपके यहाँ क्रिस्पी शेल्स ज्यादा? ये हमारे खुद हम लोग इसको तैयार करते हैं और ये हमारे मकई के उससे तैयार ना। मुझे बताएं कि इसमें दोनों तरह की चीजें आती है, इसमें सॉफ्ट शेल भी आता है और ये क्रिस्पी शेल भी आता है। हम लोग ज्यादा क्रिस्पी ज्यादा लोग पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो है वो ज्यादातर क्रिस्पी को ज्यादा पसंद। और ये कैसेडिया भी अगर आप देखें, दिस इज अ वेरी हैंडी सैंडविच। जिन लोगों को ये ख्याल रहता है ना कि जी बड़ा कोई बदतमीज खाना ना दे दो टाकोस लोगों को, यानी अगर मैंने देखा है कोई ग्रुप के साथ जा रहा हो तो टाको नहीं ऑर्डर करेगा, ऐसा पुरतकल्लुफ। अगर आपने खाना खाना है तब आप बरीटोज ऑर्डर कर लें, और अगर आपने बदतमीजी आप थोड़ी सी कर सकते हैं तब आप टाकोस ले लें। हाँ, वो भी है, लेकिन आपको एक और चीज भी मैं सुनना लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे जितना भी इसमें फूड डले हुए वो सब बहुत ज्यादा हेल्दी फूड्स हैं। कोई भी एक एक्स्ट्रा ऐसी चीजें नहीं है जिससे आपकी कोई हेल्थ के हवाले से इश्यूज हो। मुझे ये बताएं कि यहाँ मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है इतनी सारी जो मुख्तलिफ सॉसेस हैं, ये क्या क्या है, इनके बारे में बताएं। ये भी देखिए मुख्तलिफ है, ये हमारे चिली सॉस बनाया हुआ है हम लोगों ने, मुख्तलिफ सॉसेस, हनी मस्टर्ड है जी, हनी मस्टर्ड है, उसके अलावा मेयो है जी, ऐसे ही। तो ये मुख्तलिफ हमारे खुद हम तैयार करते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा फेवरेट लोगों का क्या है? चिली, पाकिस्तानी ज्यादातर चिली भाई, हम वैसे भी बड़े स्पाइसी लोग हैं, मिर्च लगाना, मिर्च खाना हमें सब पसंद है। अच्छा, इसके अलावा आजकल तो विंटर्स है, बड़ी गहमा गहमी है घरों में भी, और इसके अलावा तकरीबात के लिए भी कुछ स्पेशल ऑफर्स चल रही है टाको बे पे? ये स्टार्ट अभी हमने किया है तो फिलहाल तो नहीं था, लेकिन आज न्यूज पे मैं आया हुआ हूँ तो इंशाल्लाह आज से आपको नई ऑफर्स मिलती है। बल्कि आज अगर आपने प्रोग्राम अगर आपने देख लिया है ना, और अगर आप प्रोग्राम का रेफरेंस लेके आप इसको ऑर्डर करेंगे, आप सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं, तो फिर आप बस कहिएगा मैंने आपको आज न्यूज पे देखा, बस सिर्फ आप आज न्यूज का नाम लीजिएगा और इंशाल्लाह आपका डिस्काउंट कोड है आज न्यूज, बल्कि आज पाकिस्तान, आज पाकिस्तान, आज पाकिस्तान आपका डिस्काउंट कोड है, आप बताएं उनको और उसके बाद ऑर्डर करें। अच्छा, बंडल डील्स क्या है? लोग यूजली व्हेन दे ऑर्डर टाकोस, और मैं उनके लिए भी बात करना चाह रही हूँ जिन्होंने मेक्सिकन फूड कभी ट्राई नहीं किया और वो आपसे पूछें कि भाई आप क्या मशवरा देंगे, तो आप रेकमेंड क्या करेंगे? हम लोग सबसे ज्यादा टैकोस को ज्यादातर लोगों को प्रमोट कर रहे होते हैं, इसलिए कि ये एक ऐसा फ्लेवर है इसमें जो हर किसी के पसंद आ जाता है। बिल्कुल, तो इसलिए ज्यादातर हमारे रुझान टैकोस पे ही होता है। अच्छा, और ये मैं आपको बताती चलूं कि ये पीटा ब्रेड जैसी जो आप ब्रेड देख रहे हैं कैसेडियाज में, ये उसी वक्त बनती है, आप इसमें कॉर्न, चीज, अपनी पसंद की फिलिंग कर सकते हैं। आप इनकी साइट पे जाएं, इनका कम्प्लीट मेन्यू देखें तो आपको मुख्तलिफ फिलिंग्स के ऑप्शंस भी मिलेंगे। मुझे एक बात बताएं, मैं ये सवाल हमेशा करना चाहती थी लोगों से, मेक्सिकन लोग मीठा नहीं खाते? नहीं, इसलिए कि असल में मैंने जो ये स्टार्ट लिया जो है, ये मैं असल में यूएई में होता था, तो ये मैं मेक्सिकन लोगों के साथ होता था, सही, तो वहीं से मैंने ये रेसिपी भी ली और पाकिस्तान में इसको इंट्रोड्यूस करवाया, तो ऐसा नहीं है, और थोड़ा सा हमने इसको ये कि देसी टच भी दिया है। लेकिन ये सब नमकीन चीज है ना, मैं वही तो पूछ रही हूँ, मीठा कुछ लेते हैं या आइसक्रीम? मीठे में हाँ,
ज्यादा इस तरह की चीजें आइसक्रीम की तरफ चले। सो थैंक यू सो मच फैजान फॉर बीइंग हियर वंस अगेन एनकरेजिंग ऑल द फूड एंटरप्रेन्योर्स। आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगी जो थोड़ा बिजनेस के हवाले से, इस वक्त बहुत सारे लोगों के पास अच्छे आइडियाज होंगे आपकी तरह, मुख्तलिफ फूड नॉलेज होगी, लेकिन लोग उनको डिस्करेज करते हैं कि ये टाइम अभी कुछ भी शुरू करने का नहीं है। आपने 6 महीने पहले शुरुआत की है, आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरा सीधा सा एक्सपीरियंस ये है कि एक तो लोग तो मुख्तलिफ मशवरे देते हैं, मेरा मानना सिर्फ ये है कि जो आपने सोच लिया वो करना है, और मैं जिस दिन मैंने ये सोचा था उसके बाद मैं नॉन स्टॉप इस पे लगा रहा हूँ और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। और आपकी टीम भी बन गई होगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम वर्क है। आपने जब इसको एक तरह से इरादा कर लिया तो आप कितने और लोगों का वसीला बने, बिकॉज दे ऑल केम टुगेदर। बिल्कुल ऐसे ही। और कितने लोगों में अब ये हुनर आ गया होगा, रेसिपी अगर फैजान के पास थी तो ही मस्ट हैव ट्रेन्ड हिज पीपल टू कम थ्रू। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, एनकरेजिंग ऑल द डिफरेंट कुछ हटके जो लोग करना चाहते हैं फूड एंटरप्रेन्योर्स। आप ये अगर क्लिप देख रहे हैं मेरे सोशल मीडिया पे, आप लिंक शेयर कर सकते हैं इन आवर कमेंट्स एंड माय टीम इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट इन टच विद यू। लेकिन हाँ, कोई चीज आपके पास यूनिक होनी चाहिए, कोई डिफरेंट आइडिया होना चाहिए। नॉट दैट आई डोंट लाइक बिरयानी, लेकिन बिरयानी में भी अगर कोई ट्विस्ट है तो आप जरूर हमसे राबता करें एंड सेंड अस योर डिटेल्स एंड माई टीम विल गेट इन टच विद यू। फॉर नाउ ब्रेक लेते हैं ताकि मैं जरा टाकोज एंजॉय करूँ और आप आज ऑर्डर जरूर करें। अपना ख्याल रखें, take a quick break and be right back.